अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों. आज का टॉपिक है क्या प्लेस्टेशन प्लस फ़ायदेमंद है या नहीं. ये वीडियो के एंड तक आप लोग ये फैसला ले चुके होंगे कि आपको ये प्लेस्टेशन प्लस लेना है या नहीं. और ये वीडियो उनके भी काम आएगा जो लोग प्लेस्टेशन 3 या प्लेस्टेशन 4 लेने की सोच रहे हैं. और वो कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ. PlayStation Plus एक पेड सर्विस है जो आप लोगों को खरीदनी पड़ती है PlayStation नेटवर्क से. इस पर्टिकुलर सर्विस में आप लोगों को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं. क्या फ़ायदे मिलते हैं ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. तो जानिए अब. ये जो PlayStation सर्विस है इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं. आपको मिलते हैं डिस्काउंटेड गेम्स, आपको मिलते हैं शेयर प्ले. शेयर प्ले क्या है मैं आगे डिटेल में बताऊंगा. आपको मिलता है फ्री गेम्स, आपको मिलते हैं मल्टीप्लेयर नेटवर्क प्लेइंग, और आपको ऑनलाइन स्टोरेज मिलते हैं. तो पहले मैं बता दूं कि जो प्लेस्टेशन प्लस सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं उनको जो मिलता है शेयर प्ले. शेयर प्ले एक ऐसी सर्विस है जिसमें अगर आपके दोस्त के पास कोई गेम नहीं है तो आप अपने दोस्त के साथ वो पर्टिकुलर गेम शेयर कर सकते हैं. यानी कि अगर आपके पास समझिए बैडमिंटन का गेम है, आपके दोस्त के पास नहीं है, आप अपने दोस्त के कंसोल में आप उसको बोले शेयर प्ले ऑन करें, आप अपने कंसोल में शेयर प्ले ऑन करें, और उसके बाद एक घंटे तक आपका दोस्त बैटमैन आपके कंसोल के थ्रू खेल सकता है. तो ये बहुत फ़ायदेमंद है जिनके पास गेम नहीं है, उनके दोस्त के पास हैं वो वैसा वैसा खेल सकते हैं. और दूसरी जो सर्विस है वो है ऑनलाइन स्टोरेज की. ऑनलाइन स्टोरेज में आप लोगों को 10 GB ऑनलाइन स्टोरेज मिलता है. तो ये 10 GB में आप लोग कम से कम 1000 गेम सेव्स अपलोड कर सकते हैं. यानी कि आपके जो चेक पॉइंट्स है गेम्स के अंदर वो आप लोग इस पर्टिकुलर ऑनलाइन स्टोरेज पे अपलोड कर सकते हैं, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम कभी आप लोगों को आपके गेम्स रीसेट करने पड़े या आप लोगों को कभी फॉर्मेट करना पड़ा आपका PS, तो आपके गेम सेव जो है, चेक पॉइंट्स जो है ऑलरेडी ऑनलाइन स्टोर्ड हैं. आप लोगों को बस उसे डाउनलोड करना है और आगे कंटिन्यू करना है. दूसरी और तीसरी जो मेन सर्विस है वो है फ्री गेम्स. फ्री गेम्स, हाँ दोस्तों, फ्री गेम्स. ये तो मेन हाईलाइट है प्लेस्टेशन प्लस का. आप लोगों को हर महीने 2 गेम्स फ्री मिलते हैं, यानी कि साल के 24 गेम्स आप लोगों को फ्री मिलते हैं. आप लोग ये गेम्स डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज करके रख सकते हैं और बाद में वापस डाउनलोड कर सकते हैं. तो यानी कि अगर आप लोगों ने अगर 2 गेम्स हर महीने डाउनलोड किए, आपके पास 24 गेम हैं, लेकिन आपके पास हो सकता है स्पेस नहीं हो PlayStation 4 या PlayStation 3 में, कोई दिक्कत नहीं है. आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं, उसके बाद इसे लाइब्रेरी में सेव हो जा कर सकते हैं, और आपके पास जैसे ही आपके PS3 या PS4 में स्पेस अवेलेबल होगी आप लोग उसे डाउनलोड करें और खेल लें. तो अगर आपने साल में अगर 8 से 6 गेम भी अगर डाउनलोड करें तो आपका पूरा पैसा वसूल हो जाता है. इसमें एक और चीज़ है जो है क्रॉस प्ले. क्रॉस प्ले यानी PS Vita के गेम्स भी आप अपने PS3 या PS4 पर खेल सकते हैं. तो कभी कभी आप लोगों को महीने में 2 नहीं बल्कि 3 गेम मिलेंगे डाउनलोड करने के लिए. तो फ़ायदा तो आपका ही है पूरी तरह से. इसमें ये पर्टिकुलर सर्विस में आप लोगों को मेन फ़ायदा फ्री गेम्स का है, डिस्काउंटेड प्राइस का है. डिस्काउंटेड प्राइस 10 से 75% तक जाता है. तो अगर आप लोगों को फ्री गेम्स नहीं पसंद आ रहे हैं तो आप लोग डिस्काउंटेड प्राइस के गेम्स भी ले सकते हैं. और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों को अब तक इसके फ़ायदे पूरी तरह से समझने आ चुके होंगे. आप लोग ने ये भी डिसाइड कर लिया होगा कि आप लोगों को PS3 या PS4 लेना है या नहीं. जो लोग लेना चाहते हैं मैं रिकमेंड करूँगा ले लें.
और प्लेस्टेशन प्लस साथ में सब्सक्राइब करें। और एक इन्फो मैं देना चाहूँगा, प्लेस्टेशन प्लस आप लोगों को 1 महीने का 3 महीने का और साल का पैकेज में मिलता है। मैं रिकमेंड करूँगा साल का पैकेज लीजिए और इसके पूरे फायदे उठाइए। तो आप लोग अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। अरे मम्मी, टीवी पर क्राइम पेट्रोल लगाना बंद करो, चुपचाप बेडरूम में। ओके।